अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में वाकई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका एक कैंपस रावलपिंडी में भी है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का शुमार पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में होता है और ये 1875 में स्टैब्लिश हुई थी। NCA को पाकिस्तान में फाइन आर्ट्स कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज में नंबर वन कंसिडर किया जाता है और NCA की तरफ से स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के साथ फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रन किए जाते हैं और पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट जो फाइन आर्ट्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर जैसे डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो NCA सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। NCA की तरफ से साल में एक बार ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन किए जाते हैं और 2022-23 सेशन के एडमिशन की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इस वीडियो में आपके साथ NCA के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो NCA की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में शामिल है लाहौर कैंपस में 5 ईयर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिजाइन जिसमें शामिल है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन और सिरेमिक डिजाइन, इसके अलावा बैचलर ऑफ म्यूजिकोलॉजी, बैचलर ऑफ फिल्म एंड टीवी और बैचलर ऑफ कल्चरल स्टडीज, इसके अलावा रावलपिंडी कैंपस में 5 ईयर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ डिजाइन में विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन। और यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 अक्टूबर 2022 से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और सुबह पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलोचिस्तान डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मकबूजा कश्मीर के मुहाजरीन के लिए 2% रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा माजूर अफराद के लिए भी 2% कोटा फिक्स किया गया है और गैर मुल्की उम्मीदवार यानी फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए लाहौर कैंपस में 11 सीटें हैं जबकि रावलपिंडी कैंपस में 5 नशिस्तें फिक्स की गई हैं। तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FA या FSC में एटलीस्ट 45% मार्क्स हासिल किए हों जबकि फाटा के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स के लिए 5% नंबरों की रियायत है और ऐसे केस में स्टूडेंट्स FA FSC में एटलीस्ट 40% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई करने के लिए नामजद बोर्ड का सर्टिफिकेट अटैच करना लाजमी है और जिन स्टूडेंट्स ने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ऐसे केस में स्टूडेंट्स को आर्जी तौर पर एडमिशन दे दिया जाएगा और ऐसे केस में स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट का स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, रोल नंबर स्लिप या होप सर्टिफिकेट अटेस्ट करके अटैच करना होगा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लाहौर और रावलपिंडी कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल ये फैसला किया गया है कि NTS के थ्रू एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन NTS की वेबसाइट से कंप्लीट करनी होगी जबकि NTS की तरफ से टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल और वेन्यू से मुतालिक जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जिनमें शामिल हैं पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर, सिंध, KPK, अस्टवाल फाटा, बलोचिस्तान, इसके अलावा फिजिकली चैलेंज कोटा सीट्स और सेल्फ फाइनेंस और सेल्फ सपोर्ट स्कीम पर भी सीटें ऑफर की जाती हैं। NTS की तरफ से एंट्री टेस्ट की रोल नंबर स्लिप टेस्ट की तारीख से एक हफ्ता कबल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी जिससे मुतालिक तमाम रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स को SMS के जरिए भी इतला कर दी जाएगी और NTS की तरफ से पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। पंजाब में लाहौर में एंट्री टेस्ट होगा, बलोचिस्तान में, कोयटा में, सिंध में कराची में टेस्ट सेंटर बनेगा, KPK के केस में पिशावर और इस्लामाबाद में भी टेस्ट सेंटर कायम किया जाएगा और टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को अपना जाती ग्रेफाइट पेंसिल, रबर, ड्राइंग बोर्ड, कलर पेंसिल, मार्कर, कैंची, शार्पनर और गोंद वगैरह लानी होगी। कॉलेज की तरफ से सिर्फ जवाबी कापियां, ड्राइंग शीट्स और कलर शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर भी जरूर साथ लाएं और चेहरे पर मास्क लगाएं। NCA में एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है और NCA के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ डिजाइन में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने होंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स का एडिशनल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना होगा और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिकोलॉजी, कल्चरल स्टडीज और फिल्म एंड टेलीविजन में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में कैंडिडेट्स ओपन मेरिट बेसिस पर, इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का फीस स्ट्रक्चर यहाँ अलग अलग मेंशन किया गया है। ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस दोनों केसेस में कैंडिडेट्स के एडमिशन या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पहले सेमेस्टर के 57,500 रुपये होंगे जबकि इसके अलावा पहले सेमेस्टर की फी ओपन मेरिट के केस में 1,13,310 रुपये है और सेल्फ फाइनेंस के केस में 1,03,10 रुपये। यानी पहले सेमेस्टर में ओपन मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को टोटल फी 1,70,810 रुपये अदा करनी होगी और ओपन मेरिट के केस में सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स पर सेमेस्टर फी 1,13,310 रुपये होगी जबकि सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर की टोटल फी 1,57,810 रुपये जबकि बाद में पर सेमेस्टर 1,03,010 रुपये अदा करने होंगे और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले लमसम फी भी अदा करनी होगी जो कि फाइन आर्ट्स, डिजाइन और म्यूजिकोलॉजी के केस में 6,95,000 रुपये
और आर्किटेक्चर और फिल्म एंड टेलीविजन के केस में 8,76,000 रुपए है। यानी ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के केस में तो फीस स्ट्रक्चर यही रहेगा कि पहले सेमेस्टर की 1,70,810 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की पर सेमेस्टर 1,13,310 रुपए है। जबकि सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स को लमसम फी अलग से अदा करनी होगी जो कि 6,95,000 रुपए फाइन आर्ट्स डिजाइन और म्यूजिकोलॉजी के केस में है और आर्किटेक्चर और फिल्म एंड टेलीविजन के केस में 8,76,000 रुपए। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को पहले सेमेस्टर की फी 1,57,810 रुपए और पर सेमेस्टर फी 1,310 रुपए अदा करनी होगी। और फॉरेन स्टूडेंट्स के केस में एडमिशन फी $750, ट्यूशन फी एनुअली $3,000 और रजिस्ट्रेशन फी वन टाइम $550 है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप फंड, गवर्नमेंट मेरिट अवार्ड, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। इन सब के अलावा कैंडिडेट्स पीफ स्कॉलरशिप, एफईएफ स्कॉलरशिप, बीफ स्कॉलरशिप और अदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की तरफ से कंपैशनेट ग्राउंड्स पर फुल या हाफ ट्यूशन फी एग्जेम्पशन भी ग्रांट की जा सकती है, लेकिन ये 10% से ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रांट नहीं की जाएगी। और तमाम कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होगा। यहां एनटीएस की वेबसाइट पर एनटीएस फी पेमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट शेयर किए गए हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। और एनसीए में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को यहां से साइन अप करना होगा। तमाम कैंडिडेट्स अपने सीएनआईसी के थ्रू और कोई नया पासवर्ड सेट करके और मोबाइल नंबर लिखने के बाद साइन अप कर सकते हैं। इसके साथ यहां अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर दिया गया है कि कैंडिडेट्स को रजिस्टर और लॉग इन करना होगा, जिसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और डिजायर्ड कॉलेज और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें और एप्लीकेशन प्रोसेस फी किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या इसके अलावा इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा या टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर्स के थ्रू पे करें। इसके बाद साइंड एप्लीकेशन फॉर्म तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म के ऊपर मेंशन किए गए एड्रेस के ऊपर कुरियर कर दें। और कैंडिडेट्स को प्रोस्पेक्टस चार्जेस ₹2,500 अदा करने होंगे, प्रोस्पेक्टस कुरियर चार्जेस ₹300, प्रोसेसिंग फी ₹1,000 है। इसके अलावा एडिशनल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग फी हर प्रोग्राम के लिए ₹800 है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। इसके अलावा एनटीएस की वेबसाइट पर फी पेमेंट प्रोसीजर भी दिया गया है। तमाम कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद बताए गए तरीके के मुताबिक प्रोसेसिंग फी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया गया है। और एनसीए के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।